क्वेश्चन 17 की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 17 में क्या हमें दे रखा है, तो देखो 17 में क्या दे रखा है भाई। 17 में हमारे पास है एक नेचुरल नंबर है एक्स, जिसको रैंडमली लिया जाता है फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब एक्स जो है वो हम 100 नेचुरल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं वो तो 100 हैं। अब फेवरेबल कितने वो देखेंगे, वो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 लेस देन 9, या मैं दूसरे तरह से बोलूं एक्स प्लस 10 से डिवाइड करोगे तो क्या 0.1x आ जाएगा। मतलब ऐसी ये कंडीशन हमारे पास है फिलहाल। ठीक है, अब इसमें हमें पुट करना है वैल्यूज को और देखना है कि कौन कौन से नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे, हमारी एक्स की कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसमें हमारी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें नंबर कहाँ से लेने हैं, 100 नेचुरल नंबर। 100 नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है भैया, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, यही सब होते हैं 100 तक। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स को 1 रख दूं तो देखता हूँ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 प्लस 0.1 और (1) लेस देन 9, तो 1 प्लस 0.1 लेस देन 9, यानी ये आया 1.1 लेस देन 9। तो क्या 1.1 लेस देन 9 है, सही है, यानी पहला केस तो सही है, पहला केस तो सही मिल रहा है, पहला केस बेटा सही मिल रहा है। चलो देखो और देखते हैं, अगर मैंने एक्स को 2 रखा तो एक्स को 2 रख दो इसमें, तो 2 प्लस 0.1 × 2 लेस देन 9, तो 2 प्लस 0.2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2.2 लेस देन 9। अगर मैं इसको 3 पुट कर दूं तो आएगा 3 प्लस 0.1 × 3 लेस देन 9, तो 3 प्लस 0.3 हो जाएगा, तो क्या ये 3.3 आ जाएगा। अब एक आइडिया लग रहा है, 1.1 आया, 1.2 आया, 3.3 आया, इसका मतलब एक्स को 4 रखूंगा तो कितना आएगा, 4.4 आएगा। ये सारे केस सही चल रहे हैं, 5 रखेंगे तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है, 6 रखेंगे तो 6.6 आ जाएगा, ये सही चल रहा है सारा, ये सारे केस क्या चल रहे हैं, सही वाले हैं। 7 रखेंगे तो 7.7 लेस देन 9 है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम एक्स को अगर 8 रखेंगे तो 8.8 आएगा, ये भी सही है। जैसे ही तुम 9 पुट करोगे तो क्या 9.9 आ जाएगा, और 9.9 है वो तो यार 9 से छोटा नहीं है, यानी ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, और इसके आगे तुम जो भी रखोगे वो सब रिजेक्ट होगा। क्या वो सब रिजेक्ट हो जाएगा, सब रिजेक्ट होगा, समझ रहे बात को, 10, 11 सब रिजेक्ट होगा, क्योंकि सारे में नंबर बड़ा मिल जाएगा। इसका मतलब जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके कितना है सेटिस्फाई कर रहे हैं, 8 तक। तो भैया 8 अपॉन 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब 4 से कैंसिल करोगे तो 2/25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/25, यानी ए पार्ट कितना आ जाएगा आंसर, क्या आंसर ए पार्ट आ गया 2/25, यस और नो।